सीसीएस द्वारा इंडिया के फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट एमका के लिए सैंक्शनिंग के बाद उसके प्रोटोटाइप पर काम तो शुरू हो चुका है, पर यह बहुत ही लॉन्ग और टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट है और डीआरडीओ ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग एमका की इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन में अभी एक दशक का समय लगेगा, मतलब अराउंड 2034-2035 तक। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की इंडिजिनस डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का इंडिया का यह डिसीजन न सिर्फ ADA को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डेवलप करने का मौका देगा, बल्कि उन टेक्नोलॉजीज को एग्जिस्टिंग फाइटर्स में भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा। बट सिर्फ डेवलपमेंट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ उसकी डिलीवरी और इंडक्शन टाइमलाइंस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। पर इसके हिसाब से इंडिया का ये फाइटर प्रोग्राम बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान द्वारा अपने पायलट्स को चाइना के फिफ्थ जनरेशन FC-31 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान आने वाले कुछ सालों में चाइना से एक्वायर करेगा। और ये इशू न्यू दिल्ली के लिए एक चिंता का विषय है। ये कहा जा रहा है कि इंडियन अथॉरिटीज़ पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी को एक रिकमेंडेशन दे सकती हैं ताकि फिफ्थ जनरेशन फाइटर को टेम्पररी सोल्यूशन के लिए किसी फॉरन सप्लायर से एक्वायर किया जा सके। इंडियन मिलिट्री एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, दैट इज़ रशिया एंड US। बट इस सिचुएशन में इंडिया एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में है, न सिर्फ एमका की स्लो डेवलपमेंट के कारण, बल्कि ये दोनों ऑप्शंस में बहुत सारी जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं। और इंडिया द्वारा रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक्विजिशन ने इस जियोपॉलिटिकल डिफेंस लैंडस्केप को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। कहा जा रहा है कि S-400 की वजह से इंडिया का मिलिट्री फेवर रशिया की तरफ ही ज़्यादा झुका हुआ है, जिसमें रशिया का फिफ्थ जनरेशन Sukhoi-57 ही एक वायबल ऑप्शन है, बट रेपुटेशन के मामले में ये USA के F-35 से बहुत पीछे है। नाउ F-35 की बात करें तो इंडिया F-35 को एक्वायर नहीं कर सकता, क्योंकि USA इंडिया को इसकी सेल अप्रूव नहीं करेगा। उसका रीज़न है S-400। 2018 में इंडिया ने जब रशिया के साथ S-400 की 5 बैटरीज का एग्रीमेंट साइन किया था, उस टाइम USA की तरफ से कई वार्निंग्स दी गई थी। बावजूद उसके इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को देखते हुए S-400 की डील फाइनल की। हालांकि 2022 में USA ने कार्टसा सैंक्शंस में इंडिया के S-400 परचेज करने के मामले में एग्जेम्पशंस दे दी थी, बट USA इंडिया को अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर कभी भी सेल नहीं करेगा जब तक इंडिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है। सो इसका एक सलूशन जो इंडिया के पास है वो है S-400 को डीएक्टिवेट करना, या F-35s को सेंसिटिव बॉर्डर रीजन से दूर डिप्लॉय करना जहां पर S-400 डिप्लॉयड हैं। बट प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, और अल्टीमेटली ये डिसीजंस पॉलिटिकल क्लाइमेट और USA एडमिनिस्ट्रेशन की विलिंगनेस पर डिपेंड करते हैं, जिसमें बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ भी हैं। बट क्या USA S-400 की एक्विजिशन के बावजूद अपने वैल्यूएबल एलाई को F-35 के लिए एक्सेप्शन देगा? तो इंडिया की S-400 एक्विजिशन को इग्नोर करते हुए USA के लिए इंडिया के फेवर में ये डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 2020 में USA ने टर्की के रशिया से S-400 की परचेजिंग डिसीजन के बाद सैंक्शंस लगा दी थी, जिससे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके थे। बट अभी जब गाड़ी थोड़ी बहुत पटरी पर आने लगी है, तो ऐसी सिचुएशन में USA के लिए इंडिया के फेवर में यह डिसीजन लेना आसान नहीं होगा। सुखोई 57 को भी डिस्कस करें तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA के लिए इंडिया ने पहले रशिया के साथ पार्टनरशिप की थी, बट बाद में इंडिया ने अपने आप को उस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया था, जिसका रीज़न डिससेटिस्फाइड इंजन परफॉर्मेंस और एयरक्राफ्ट की एवरेज स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ थी। बट सुखोई 57 के मामले में अब रशिया का कहना है कि एयरक्राफ्ट में मोर एडवांस्ड IS-30 इंजन यूज़ किया जाएगा, जो इंडिया की रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से फुलफिल करता है, और साथ ही स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करने की बात रशिया द्वारा कही गई है। रशिया के क्लेम्स हैं कि सुखोई 57 यूक्रेन के साथ चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में भी डिप्लॉय किया गया है। दूसरी ओर मिडल ईस्ट में ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स और ईरान और इसराइल के बीच बढ़ती टेंशन्स के सिनारियों को देखें, तो इजरायली और वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि F-35 को भी कॉम्बैट मिशंस में यूज़ किया जा रहा है। इस तरह की रिपोर्ट्स सुखोई 57 की इमेज को टार्निश कर सकती हैं,
क्योंकि सुखोई 57 को वर्ल्ड का ओनली कॉम्बैट प्रूवन फिफ्थ जनरेशन फाइटर कहा जा रहा है। ये क्लेम्स रशिया के हैं, बट इसको हम 100% वेरीफाइड नहीं कह सकते। और अगर हम ये मान के चलें कि यूएसए इंडिया को F-35s की सेल की अप्रूवल देता भी है, फिर भी F-35 की डिटेल्स को हम जितना डीप में स्टडी करेंगे उतना ही ये इंडिया के लिए लेस अट्रैक्टिव होगा। F-35 की एक्विजिशन कॉस्ट के साथ साथ इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, और इसके पार्ट्स, वेपन्स और मेंटेनेंस के लिए एक पूरी तरह से नई सप्लाई चेन की ज़रूरत पड़ेगी। सो इससे ना सिर्फ डिफेंस बजट की यूटिलाइजेशन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, बल्कि F-35 की मेंटेनेंस और पार्ट्स के लिए इंडिया US पर ही डिपेंडेंट रहेगा, और USA के पास ये लेवरेज रहेगी कि वो कभी भी एयरक्राफ्ट के क्रूशियल कंपोनेंट्स की सप्लाई को डिले या रोक सकता है, और इंडिया पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है कि अगर इंडिया रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट को एक्वायर करता रहेगा तो हम F-35 के पार्ट्स और मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो अगर इंडिया एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन और अपनी एयर डोमिनेंस बनाए रखने के लिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर की कुछ लिमिटेड यूनिट्स को एक्वायर करने का डिसीजन लेता भी है, तो क्या F-35 ही प्रेफरेंस होगी? करंटली देखा जाए तो बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस हैं कि इंडिया फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स को एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए एक्वायर करेगा, पर फिर भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और अभी इंडिया के एयर डिफेंस के लिए S-400 एक मोर वायबल ऑप्शन है, जिसकी 3 बैटरीज को IF द्वारा बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय किया गया है, जो पाकिस्तान और चाइना की तरफ से पोटेंशियल एयर थ्रेट्स जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में इंडिया के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। S-400 की 2 बैटरीज की डिलीवरी अभी पेंडिंग है, जो रशिया 2026 में करेगा। साथ ही IF के टॉप टीयर फाइटर्स जैसे कि रफाइल्स और सुखोई 30s एयर डोमिनेंस के लिए एक एडिशनल हैवी पंच हैं, जो चाइना के FC-31 और J-31 फाइटर को टैकल करने में कैपेबल हैं। बट एंड में इंडिया के लिए F-35 को एक्वायर करना आसान नहीं होगा, इसी वजह से एमका प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाने के सिवा इंडिया के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है।